प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उन लोगों को हमला किया गया। और विगत दिनों से लगातार हमारे देश में और हमारे राज्य में भी हमारे आदिवासी ईसाई हमारे धर्म अगुवाओं के साथ, हमारे जो आदिवासी ईसाई भाई बहनों के साथ हमारे धार्मिक स्थलों में जो लगातार हमला हो रहा है, लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर के आज झारखंड प्रदेश के राजधानी में हमारे महाबहिन आदरणीय आर्च बिशप फिलिप टोप्पो जी के नेतृत्व में और विशेषकर कहा जाए तो झारखंड क्रिश्चियन एसोसिएशन के नेतृत्व में ये जो विरोध मार्च निकाला गया है, प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है, इस पर उपस्थित बिशप स्वामी जी, हमारे थियोडोर बिशप स्वामी जी, जीएल चर्च के बिशप जी और जितने भी यहाँ पर आए हुए सभी हमारे धर्म अगुआ, राज्यसभा के सांसद श्रीमती महुआ माझी जी और मांडव के विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सिख समुदाय के हमारे मथारू जी हैं यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारे विभिन्न पार्टी के राजनीतिक नेतागण भी हैं और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे कई धर्म अगुआगण है। हमारे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट मार्च में राजधानी एवं आसपास से आए हुए तमाम हमारे आदिवासी ईसाई भाइयों और बहनों सभी लोगों को सबसे पहले मैं जोहार करता हूँ, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। मित्रों, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन ये बात सभी को मालूम है और मालूम होना चाहिए कि हमारा भारत देश तमाम जाति समुदाय विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में संविधान के तहत सभी लोगों को एक अपनी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है बोलने का और साथ साथ अपने किसी भी धर्म मानने का अधिकार है। आर्टिकल 25 की बात करें, संविधान में विभिन्न तरह का आर्टिकल आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोगों को मालूम है। लेकिन जो देश में जो हालात है और कुछ फिरकापरस्त ताकतें या कुछ विध्वंसकारी ताकतों के द्वारा विगत दिनों आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से चर्च को तोड़ा गया, जिस तरह से हमारे लोग वहां पर प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उन लोगों को हमला किया गया और उसी तरह से कई ऐसी घटनाएं कभी कभी हमारे झारखंड प्रदेश में भी देखने को मिलती। हम इस प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हम हिंसा को कभी बर्दाश्त हमारा समुदाय नहीं करता, हम हमेशा अहिंसा के पुजारी हैं। यह देश महात्मा गांधी का देश है, यह देश सत्य और प्रेम से चलता है, हम लोगों पर प्रेम बांटने का काम करते हैं। हमारे धर्म अगुआ आए हैं, लगातार प्रेम बांटते हैं और प्रेम का शिक्षा देने का काम करते हैं और इसी बात को लेकर हम यहाँ पर आज जमा होकर के हम ये प्रोटेस्ट और विरोध कर रहे हैं और उनको अवगत करना चाहते हैं कि देश में जो नफरत फैलाया जा रहा है, ये नफरत से देश नहीं चलेगा। हम सभी लोग एक नागरिक है और हर नागरिक का एक जिम्मेवारी बनता है झारखंड प्रदेश को उन्नत प्रदेश बनाने के लिए। हम झारखंड के सभी लोगों को एक जिम्मेवारी बनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, आदिवासी ईसाई हो, सरना सरना हो, ये सबकी एक जिम्मेवारी बनती है। और ये जो प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा हम पैगाम देना चाहते हैं हमारे जो यूथ लोगों के साथ में, हमारे धर्म अगुवाओं के साथ में, हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसके लिए जीते हैं इस प्रदेश में, इस देश में। हम यहाँ पर एक बेहद अच्छा नागरिक होते हुए हम कैसे इसका सुख समृद्धि हो, कैसा यहाँ का शैक्षणिक वातावरण हो, कैसे सामाजिक वातावरण बने, हमारे जंगल में देहात में गरीब दुबा जो लोग रह रहा है उसको हम कैसे प्यार बांटते हुए उसको हम आगे शिक्षा देते हुए आगे बढ़े, उसका तमाम चीजों को देखने के लिए ये प्रोटेस्ट मार्च के द्वारा हम ये पैगाम देना चाहते हैं। साथ में ये भी बताना चाहते हैं उन लोगों को कि जिस तरह से इस तरह का कुछ ताकतें हैं, जो विध्वंसकारी ताकतें हैं, जो ताकत हमें हमें आपस में तोड़ने का काम करते हैं
आपस में हमें लड़ाने का काम करते हैं, उन लोगों को हम आगाह भी करना चाहते हैं कि हमें आप कमजोर मत समझना, आप हमें कमजोर मत समझना, हमारे पास भी हमारे कमजोर हमें मत समझना। अरे हमारे पास एक ईश्वरीय भगवान शक्ति है, लोगों में है, हम प्रेम से ही आपको झुकाने का काम करेंगे, इससे की बातों को आपको समझने की जरूरत है। अंत में मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि ये सारे लोग जितने लोग आए हैं या नहीं आए हैं जो उपस्थित है, हम सभी लोगों का जिम्मेवारी बनती है कि हम ऐसे ताकतों के खिलाफ हम संगठित होकर के लड़ेंगे, संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे और एक संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, इस प्रदेश का विकास के लिए, इस प्रदेश का सुख समृद्धि के लिए अगर कोई आड़े हाथ उठाता है तो हम ये बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। बात को ध्यान दें, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए पुनः एक बार, हम प्रेम और भाईचारा बांटने वाले लोग हैं, हम मिसाल देने वाले हैं और हम संविधान के तहत चलने वाले हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि संविधान के तहत चलें, संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलें, बापू महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलें। और जिस तरह आज भारत जोड़ो यात्रा में लोग निकल पड़े हैं आपसी नफरत को समाप्त करने के लिए, उस जोड़ो यात्रा की तरह हमें भी इस प्रदेश के उन गरीब गुरुओं के पास जा करके उनके साथ हमको जोड़ने का काम करना है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी।